आपको बता दें कि जनपद देहरादून के विधानसभा विकास नगर के गांव रुद्रपुर में गौन नदी में कुछ कब्जाधारियों के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया, जिसके विषय पर ग्राम प्रधान रुद्रपुर देवराज सेमवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गोना नदी के किनारे कुछ लोग अपनी जमीन के साथ साथ ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, जिसकी सूचना शासन एवं प्रशासन को दी है। करीब 1.5 साल से मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। वहीं आज प्रशासन के द्वारा जब इसकी जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे तो दबंग कब्जाधीन ने कहा कि यहां पर सिर्फ कानून गो व लेखपाल ही आएंगे, ग्राम प्रधान व गांव का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। जिसको लेकर ग्राम प्रधान व जमीन मापने आए अधिकारियों से काफी बार अंदर जाने को लेकर बात हुई तो अधिकारी बिना जमीन नापे भागते नजर आए। आज प्रशासन की टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची है और कानगो साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मौके पे जो हम फैमास करेंगे बाउंड्री के अंदर, उसमें गांव का कोई भी व्यक्ति ना ग्राम सभा प्रधान ना ग्राम पंचायत बॉडी कोई भी वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ हम जाएंगे और उस जमीन को नापेंगे और फैमास करके उसे दे देंगे। क्या आप इस तरह की जो जांच चल रही है क्या संतुष्ट रहेंगे जिस तरह हमने कानून को साफ कह रहे हैं? मैं इस जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि गांव के मौजूद लोग ग्राम प्रधान व पंचायत बॉडी अंदर जानी चाहिए और उसके बारे में उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए भाई किस तरह से नाप रहे हैं, कोई तरीका क्या है। हो सकता है आप भी संलिप्त हो, पता थोड़ी चलेगा। अब ग्राम सभा के लोग मुझे बार बार इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि किसानों का जो रास्ता है प्रभावित हो रहा है, किसानों की ज़मीनें प्रभावित हैं और इन लोगों ने इस तरह से जो कब्जा कर रखा है उसका क्लियर हो जाए, वो क्लियर हो नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही कि मैं जिलाधिकारी महोदय से मैंने संपर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि जो संविधान है उसके मुताबिक आप करें, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि संविधान क्या है, मुझे थोड़ा संविधान की भी जानकारी हो। अभी कानगो साहब कहते हैं कि हम अंदर जाएंगे लेकिन अब उसके बाद कहते हैं कि मैं तो जमीन नापूंगा नहीं, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें क्या है। डीएम साहब से आपकी बात हुई क्या? जी, जिला मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा था महोदय यहाँ पे टीम आई हुई है और ग्राम सभा के भी कुछ मौजूद लोग वो ग्राम प्रधान पंचायत बॉडी अंदर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी बाउंड्री में है, कुछ इस तरह का ये कह के, और कहा मैं इलेक्शन में बिजी हूँ तो थोड़ा सा मुझे अभी टाइम नहीं है। मैं बात में किसान जी पिछली बार भी यहाँ टीम आई थी, खुद एक आईएएस अधिकारी जांच में आई, उन्होंने कुछ नहीं कर पाई। क्या मानते हैं? बिल्कुल, आकांक्षा वर्मा जी आईएएस यहाँ पे आई थी, तहसीलदार की ड्यूटी यहाँ पे कर रही थी और उनके साथ मैंने बराबर पत्र व्यवहार किया था, लेकिन वो मौके पे चुपचाप आई और उन्होंने इनके फार्म हाउस में बैठ के और इनसे बातचीत की और उसके बाद हमें बिना बताए बिना इतला के वापस चली गई और आज तक भी उनकी कोई आख्या पत्र यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या समझूँ, इतने 1.5 वर्ष की अवधि से ये जो मैंने कार्यक्रम चला रखा अपनी ग्राम सभा की जमीन के संबंध में, तो ये बड़ा भारी एक मुझे वो लग रहा है घोटाला है। अब तो मैं क्या कहूँ इस बारे में, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और मैं इस समय ग्राम सभा के आगे अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। प्रधान जी, एक हफ्ते पहले भी नपाई के लिए टीम आई थी आपने शिकायत के बाद में, एक हफ्ते पहले इसमें ये दोबारा टाइम रखा गया था 5 तारीख का, तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि नपाई नहीं हो पाई थी और इस बार भी नपाई नहीं हो पाई? इन्होंने इन्हें टाइम से शायद इतला नहीं की होगी, यही इन्होंने कहा था। हिमांशु नारंग जी ने 5 तारीख तक का टाइम मांगा था और वो टाइम भी दिया गया, उसके बावजूद भी आज भी वही हालत है और उसमें कुछ भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है और कानगो साहब की टीम वापस चली गई है, जो कि एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। या तो इन्हीं लोगों का राज रहेगा, बिल्कुल प्रशासन हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं ना। नेक्स्ट कदम क्या रहेगा, जिस तरह जांच बार बार आ रहे हैं और जांच नहीं हो रहे आपके स्तर से और ग्रामीणों के स्तर से? क्या ग्रामीणों के स्तर से और ग्राम पंचायत बॉडी के स्तर से मैं अनुरोध करूँगा जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी प्रशासन तहसील से कि मौके पर आके इसको हमारी सबकी मौजूदगी में नपाई हो और हमें इसे बिल्कुल मामले को दुरुस्त करके दें और किसानों की आवाजाही जो प्रभावित हो रही है वो जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो छूटनी चाहिए, जो नारंग जी की जमीन है वो नारंग जी को मिले, उसमें हम बिल्कुल उनके साथ हैं। लेकिन अगर ग्राम सभा की जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है वो हम बिल्कुल सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। और मैं इसी के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महोदय। हमें हम इसी एक असमंजस में है कि बार बार शासन से गुहार लगाने के बावजूद भी शासन प्रशासन आता है और बिना नपाई के और यहाँ से निकल जाते हैं। क्या मानते हैं आप, ऐसा क्यों हो रहा है? शासन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इन प्रभावशाली लोगों के दबाव में है और जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि इस बाउंड्री के अंदर जमीन नापने के लिए जो है सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, कोई नहीं, ग्राम सभा प्रधान गांव का मुखिया है, उसकी उपस्थिति में ही इस जमीन की पैमाइश होनी चाहिए।
जहां जो नंबर पड़ता है उसकी पैमाइश वहां पे हो। ये भूमाफिया क्यों इस बात से संतुष्ट नहीं है और शासन इसमें चुप क्यों बैठा है? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें गांव का हमारा प्रतिनिधि जो है उनके सन्मुख जा करके इसकी पैमाइश हो, जो है अगर उसमें कुछ होता है तो उसका बैठ करके कोई निस्तारण लास्ट में निकल सकता है, लेकिन एक बार उसकी पैमाइश तो सही तरीके से हो कि नंबर कहाँ है, जमीन है किस जगह पे। मेरा नाम खजान सिंह नेगी, मैं यहीं के द्रुपुर का निवासी हूँ और जो ये प्रकरण चल रहा है ये हमारे प्रधान जी ने बहुत बार ये शासन प्रशासन के नॉलेज में ये लाए, उसके बावजूद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा सिर्फ एक ही वो है कि ये ज़मीन अगर नारंग साहब की है तो उनको दे दी जाए और तहसील प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि आप कम से कम यहाँ आके डिमार्केशन करें और जो भी जिसका जो अधिकार है ग्राम समाज की ज़मीन का जो है, हमारे जो किसानों को उधर ऊपर ज़मीनें हैं वहाँ आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है, नाला आता है, तो जो अगर ग्राम समाज की ज़मीन है तो ग्राम समाज को वापस दी जाए और अगर ये नारंग साहब की ज़मीन है तो तहसील प्रशासन इसका डिमार्केशन करके इसको सही न्याय करें। ऐसा हमसे पहले भी टीम यहाँ जांच के लिए आई, आज भी आई, क्यों जांच नहीं हो पा रही, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है ये काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं, जांच दबा देते हैं। और जैसा कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान ने कई बार, हमने भी कोशिश की कि इसको जो है जो जिसका जो है हक है वो उसको मिले और ग्राम समाज का जो अगर ज़मीन है तो ये, और मेरा जहाँ तक आइडिया है ये तो मुझे मिली भगत लग रही है सारी की सारी, तो शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं और इस बारे में कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि कई बार ये बात हुई कि इसका डिमार्केशन किया जाए, जब पूरा गांव बोल रहा है, पूरा ग्राम समाज बोल रहा है कि इसका डिमार्केशन होना तो होना चाहिए, पता नहीं क्या क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए हम नहीं कह सकते। धन्यवाद।